नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। बात बोलेगी में आपका स्वागत। आज आपको ले चलता हूं एक एडवेंचर टूर पर, और मेरे साथ हैं विजय भट्ट जी और इंद्रेश नौटियाल जी। देश के तीन सबसे पुराने पन बिजली घरों में से एक गिलोगी को देखने आज हम जा रहे हैं। पुरकल गांव के पास कच्ची सड़क पर बाइक ले जाने के बजाय हमने सोचा कि यहाँ से पैदल पैदल आगे बढ़ें, यहाँ पुरकुल से भितरली गांव की तरफ। लेकिन यहाँ हम एक छोटी सी गलती कर बैठे। हमें जाना चाहिए था नीचे की सड़क पे, लेकिन हम ऊपर की सड़क पे चल रहे हैं, और यहाँ से हमें अब किसी तरह नीचे उतरना पड़ेगा क्योंकि आगे हम फंस जाएंगे और रास्ता तो है नहीं। इस तरह से इंद्रेश जी नीचे जा रहे हैं और हमारे लिए रास्ता भी बना रहे हैं। थोड़ा खतरनाक तो है, लेकिन उतरना तो पड़ेगा वरना आगे हम फंस जाएंगे, और ये आगे जाके हमें जो है ये आगे जाके ये हमें पुल मिला है। ये काफ़ी जर्जर हालत में है, शायद 100 साल से भी ज़्यादा पुराना पुल है। आगे बढ़ना इस पुल पे ठीक नहीं है, इसलिए अब हम वापस आके और यहाँ आगे बढ़ेंगे हम। इस नदी का नाम यहाँ भट्टा खाला ही बोलेंगे, और यहाँ पत्थरों में से किसी तरह हम पार करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, ऊपर ये जो सड़क बन रही है उसका सारा मलबा इस भट्टा खाला नदी में आ रहा है, और नदी पूरी तरह तबाह होने की पूरी पूरी संभावना है। आगे हम बढ़ रहे हैं चढ़ाई में, कहीं उतार कहीं चढ़ाई, पगडंडियों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम। रास्ता अभी काफ़ी लंबा है, और यहाँ से हम पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन संभव नहीं है इन पत्थरों से छलांग मारना, इसलिए सुरक्षित रास्ते से चलेंगे यहाँ से। आराम से। हाँ, और ये विजय जी उनको मोबाइल पकड़ा रहे हैं। ना ओह, ट्राईपॉड गिर गया है, लेकिन इसको ऐसे छोड़ेंगे नहीं। इंद्रेश जी पानी में से निकाल के इसको ले आए हैं, ट्राईपॉड वापस। जूते उतार कर कई जगह, करीब 6 जगह हमें इस तरह से जो है ना इस खाले को पार करना पड़ा है, जहाँ हम पत्थरों पे छलांग नहीं मार पा रहे थे वहाँ इस तरह से कई जगह करना पड़ा। ये पाइपलाइन जो दिख रही है, ये इस खाले से देहरादून के लिए वाटर सप्लाई की लाइन है, और जहाँ ये पानी दिख रहा है इसके नीचे से भी एक और पाइपलाइन देहरादून के लिए है। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं नदी के किनारे किनारे। रास्ता भी काफ़ी लंबा नज़र आ रहा है, ऊपर लगातार एक तो चढ़ाई भी है, चढ़ाई में थोड़ा हम शहरी पहाड़ियों की तो वैसे भी सांस कुछ ज़्यादा फूलती है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ विजय जी और इंद्रेश जी के पीछे पीछे चलने की। ये कंडाली है, यानी कि बिच्छू घास, थोड़ा सा भी कहीं शरीर को छू जाए ना तो झनझनाहट रहेगी 24 घंटे तक। ये पहाड़ में मुख्य रूप से दो काम में आती है, एक तो बिगड़ेल बच्चों को ठीक करने के लिए, और दूसरा यदि आपने इसको सही तरीके से निकाल लिया, काट के घर ले आए, तो इसकी जो इसका जो साग बनता है वो वास्तव में बहुत पौष्टिक और स्वादिष्ट होता है, और पहाड़ में खूब खाया भी जाता है। ये थोड़ा बहुत वैसे इसे जो है चिमटी से और किसी बर्तन में निकालते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ न तो चिमटी है न कोई बर्तन है, तो हम एक पॉलीथीन पैक जिसमें हमें इस्तेमाल तो नहीं करना चाहिए लेकिन मजबूरी में कर रहे हैं, तो इसमें भर के ले आएंगे हम इसको घर, और फिर बनाया जाएगा इसका स्वादिष्ट साग। कोशिश कर रहे हैं कितना तोड़ पाते हैं। और यहाँ से सीधी चढ़ाई, पिछले 1 घंटे में कई बार विजय जी और इंद्रेश जी से पूछ चुका हूँ कि कितनी दूर है, तो वो कहते हैं कि बस आ गए हैं। अब पता नहीं वो बस कब होगा। और आखिरकार पहुंच गए हम ऐतिहासिक गिलोगी पावर हाउस में। इस पावर हाउस के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे, तब तक आप इसे लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।